नमस्कार दोस्तों, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि संस्कृत विषय के का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पेपर होता है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ आपके स्पेशल डिमांड पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई आपको कंफ्यूज क्रिएट होता है, तो आप अपने फीडबैक के माध्यम से अपने सवाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर किसी अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है, तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं जिस वीडियो से, ये संस्कृत का जो पिछला पार्ट छोड़ा था, उसके आगे से हम कड़ी को शुरुआत कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, हमारी कोशिश यही रहेगी। बाकी आप ऑथेंटिक बुक भी देखते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। पिछले वीडियो जो था उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा तो देखिएगा, कुछ आचार्यों के अनुसार जो वह होता है, इसका उच्चारण स्थान शुक की करनी यानी कि तंबाकू के, यानी कि श्र की करनी अर्थात तंबाकू माना जाता है। टू बी क्लियर। और अगर है का, कुछ आचार्यों के अनुसार है का उच्चारण क्या माना जाता है, उग्र। ओके। और कुछ आचार्यों के अनुसार ए कहां से होता, सर्वमुख से। क्या माना जाता है इसको, ए का उच्चारण सर्वमुख माना जाता है। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट आउट थे जिनके बारे में डिस्कस किया। बात करते हैं आगे कि कंठ जो है वो उसको तीन भागों में डिवाइड माना जाता है, यानी कि कंठ के जो भाग होते हैं तो तीन भाग माने जाते हैं। कितने भाग माने जाते हैं, तीन भाग माने जाते हैं। अगर बात करें तो पहले बात की करें तो अभिकाकल माना जाता है, जो मुख और नाशिका होता है, ठीक है। दूसरा गलबिल होता है जिस मुख, और अलिजुआ जो नासिका। टू बी क्लियर। तो कंठ जो है उसको तीन भागों में बांट दिया गया, अभिकाकल और गलबिल अलिजुआ। टू बी क्लियर गाइस। बात करें से कंठ मुखनाशी के लयोजय प्रक्रिया किम अर्थात अभिकाकल, तो प्रकंपित अगर बात करें इनको बोलने में किसका बोध हो रहा है, प्रकंपित रिप, यानी कि इनको बोलने में रे का बोध हो रहा है। तो इसी तरीके से देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, चर्चा की कि किस तरह से उच्चारण स्थान होता है, कैसे उच्चारित होता है। तो यहां पर हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो होते हैं कंठ के भाग की बात कर रहे हैं। कंठ के भाग कितने माने गए उच्चारण के, यानी कि कंठ के तीन भाग माने गए। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो अभिकाकल, ठीक है, दूसरा हमने लिया गलबिल, और अगर तीसरे की बात करें तो हमने लिया अलीजिहा, अली जीवा। तो ये तीन भाग हमने मान लिए। टू बी क्लियर गाइस। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सवर्ण क्या होता है। तो सवर्ण की बात करें तो देखिए कि तुल्ला यश्य प्रयत्नम सवर्णम, फिर से सुन लीजिएगा, तुल्ला अस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो देखिएगा, सम्मान प्लस मुख प्लस उच्चारण बराबर क्या बनता है, सवर्णम। क्या बनता है, सवर्णम बनता है। टू बी क्लियर गाइस। इसको डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जिनका मुख में उच्चारण आदि स्थान सम्मान होता है, उनके आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे एक ए प्लस आ की बात करते हैं हम लोग, देखो तो जैसे कंठ प्लस कंठ, तो कंठ प्लस कंठ क्या हो गया, सवर्ण हो गया। क्या हो गया, सवर्ण हो गया, ठीक है। जैसे जिनका मुख में उच्चारण आदि स्थान सम्मान होता है, उनकी आपस में क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। कि पूछ लिया जाए इस तरह से कि सवर्ण संज्ञा क्या होती है, सो दैट आप लोग इजी वे से इसको डिफाइन कर पाएंगे, राइट गाइज। अभी बात करें जैसे ई प्लस ई कर ले, या फिर तालु प्लस तालु, तो बराबर क्या हो गई, सवर्ण हो गई। क्या हो गई, ये सवर्ण हो गई, राइट। और एक होता है नाचू फलो, ठीक है, न प्लस अच प्लस हल, यानी कि नाचू फलो। तो यहां पर हम लोग बात करें न प्लस अच प्लस हल, न का मतलब क्या होता है, नहीं, यहां पे अच का मतलब क्या होता है, स्वर, और हल का मतलब, यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे यहां पे नहीं हो गया, स्वर हो गया, यहां पर हम लोग व्यंजन ले लेंगे। टू बी क्लियर, समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूं कि देखिएगा, स्वर और व्यंजन के आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, नाजू ई फलो, यानी कि न प्लस अच प्लस हल अर्थात नहीं, तो क्या नहीं होता, स्वर और व्यंजनों की। हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे न प्लस अच प्लस हल, अर्थात हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं नहीं
बराबर स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, इस बात ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। प्रियतन कि प्रियतन क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो प्राक यत्न इति प्रियतन या फिर प्रे कृष्टो यत्न इति प्रियतनम, यानी कि ये जो कहा है प्राक यत्न इति प्रियतन, ये पतंजलि, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण से पूर्व किए गए यत्नों को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो क्या कैसे डेफिनेशन कर सकते हैं, वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए गए यत्नों को क्या कहते हैं, प्रियतन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियतन कहते हैं। टू बी क्लियर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माइंड में रखने वाली, याद रखने वाली है कि प्रियतन क्या होता है, वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए गए यत्नों को प्रियतन कहते हैं। और पतंजलि जो है उसमें लिखा हुआ है प्राक यत्न इति प्रियतन, या हम लोग ये कह सकते हैं प्रकृष्टो यत्न इति प्रियतन, क्या हो सकता है, प्राक यत्न इति प्रियतन और प्रकृष्टो यत्न इति प्रियतन है, ठीक है। अर्थात वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए गए यत्नों को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्रियतन के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट बात है जो हमें याद रखने लायक है। और फिर अगर हम लोग ये बात करें कि प्रियतन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रियतन दो प्रकार के माने गए, कितने प्रकार के माने गए, दो प्रकार के माने गए, ठीक है। तो इनकी बात कर ले, अगर नाम पूछ लिया जाए तो नाम की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इनके बारे में अब बात करें तो प्रियतन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है आभ्यंतर प्रियतन और दूसरा है बाह्य प्रियतन। पहला कौन सा हुआ, आभ्यंतर प्रियतन, और दूसरा बाह्य प्रियतन। तो प्रियतन को कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। अब इन दो भागों में अगर अभ्यंतर, जो आभ्यंतर प्रियतन है उसके बारे में बात करें, तो ये अभ्यंतर प्रियतन क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ये मालूम होगा तो ही हम आगे का सोल्व कर पाएंगे। टू बी क्लियर गाइस, सो दैट आभ्यंतर जो प्रियतन होते हैं वो मुख के अंदर होने वाले प्रियतनों को, किसके अंदर, मुख के अंदर होने वाले, मुख के अंदर होने वाले, टू बी क्लियर, मुख के अंदर होने वाले प्रयत्नों को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। टू बी क्लियर, तो हमें डेफिनेशन मिल गई। सबसे पहले हमने प्रयत्न देखा, प्रयत्न क्या होते हैं, वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए गए यत्नों को प्रयत्न कहते हैं। टू बी क्लियर, प्रयत्न को कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में, आभ्यंतर और दूसरा बाह्य प्रयत्न, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यहां पर पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न की तरफ देखें, तो मुख के अंदर होने वाले प्रयत्नों को क्या कहा गया, आभ्यंतर प्रयत्न कहा गया। टू बी क्लियर गाइस, तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है पांच प्रकार के माने गए, कितने प्रकार के, पांच प्रकार के माने गए। टू बी क्लियर, किंतु प्रयोग की दिशा में, किसके आधार पर, अगर प्रयोग की दिशा की बात की जाए, देखो क्वेश्चन घूम घूम करके पूछा जाता है इधर इधर उधर से, तो हमें दोनों तीनों तरह से याद होना चाहिए क्वेश्चंस, तभी हम एग्जाम में इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये तो था कि वैसे तो जो ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है पांच माने गए, कितने प्रकार के, पांच प्रकार के, किंतु प्रयोग की दिशा की बात करें तो प्रयोग की दिशा के आधार पर इनको, इनकी प्रयोग की दिशा में आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। टू बी क्लियर गाइस, कितने प्रकार के, चार प्रकार के। और प्रक्रिया की दिशा में, किसकी, प्रक्रिया की दिशा की बात करें, प्रक्रिया की दिशा की बात करें तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के। तो गाइस ये छोटी सी बात है किंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखनी है कि प्रयोग की दिशा में अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो चार प्रकार का, और अगर बात करें प्रक्रिया की दिशा में बात करें किसकी, अभ्यंतर प्रयत्न की, तो ये कितने का, पांच प्रकार का। तो दोनों में थोड़ा तो अंतर ज्यादा नहीं है, किंतु क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार हम लोग इसमें कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फिर से ध्यान दे लीजिएगा, वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए गए यत्नों को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो भागों में डिवाइड हुआ, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आप पहले, सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो मुख के अंदर होने वाले जो प्रयत्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के मानेंगे, पांच प्रकार के। प्रयोग की दिशा में बात करें तो अभ्यंतर परिवर्तन चार प्रकार के, और अगर प्रक्रिया की दिशा में बात करें तो जो आभ्यंतर प्रयत्न हो कितना हो गया, पांच हो गया। टू बी क्लियर गए, तो ये वाली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और ये अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी में देखेगा देखेगा अगर बात करें तो अभ्यंतर के अंदर हम लोग देखो इसको भाग में डिवाइड कर सकते हैं, स्पृष्ट है यानी कि स्पर्श, हर्ष स्पृष्ट है, विव्रत
स्त्री व्रत और शय व्रत, टू बी क्लियर। तो ये पांच बार दिए, पांच में स्पष्ट जो स्पृष्ट जो था स्पर्श के रूप में जिसको लिया गया, इसमें क चय टय तय पय वर्ग आएंगे, टू बी क्लियर गाइस। कौन सा, कैवर चैवर टैवर तैवर पैवर, टू बी क्लियर। बात करें हर्ष स्पृष्ट में अंत आएंगे, इसमें य वर ल को लेंगे, टू बी क्लियर। वे व्रत की बात करें तो सभी स्वर आ जाएंगे इसमें, और इसी व्रत की बात करें तो उसमें उष्म जैसे श स श ह ये वाले आ जाएंगे, और शय व्रत में बात करें तो ए आ जाएगा। तो कहने का मतलब अभ्यंतर को हमने पांच भागों में डिवाइड किया, शय स्पृष्ट हर्ष स्पृष्ट विव्रत इष्टि व्रत और शय व्रत, और इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। बाकी आगे की जानकारी के लिए हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो अपना फीडबैक देना ना भूलें, अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट इससे आगे की कड़ी के बारे में।